अस्सलाम वालेकुम, क्या फला के मोहम्मद जन या हबीबी। अभी हम लोग आया इधर सैंड एंड रॉक सब QCS 2014 मटेरियल कोई है वो लोड लेने के लिए। अभी तो लंच हो रखा है, अभी मतलब ड्यूटी चेंज हो रहा है, 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। अभी फोरमैन आएगा तो पूछेगा। मैं और रहमान आया इधर, एक क्रेशर है सैंड एंड रॉक का क्रेशर है, वो सेवल आ रहा है, उससे पूछेगा मैं ये मटेरियल क्या है, किधर से लोड होगा, क्योंकि तो कभी उठाया नहीं है। हाँ तो गाइस, मैं उधर से लोड कर लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ मिजान पे। इधर भी चढ़ाई है, वो अंदर से लोड किया है, अभी थोड़ा चढ़ाई पड़ता है इधर, तो चढ़ रहा हूँ। चढ़ने के बाद उधर आगे मिजान है, अब मिजान में जाके देखना है कितना वेट है। वेट सही रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार, सुबह सुबह लोडर लग जाएगा, घूमना पड़ेगा। हाँ तो गाइस, ये आ गया मैं मिजान पे, अभी जाके चेक करता हूँ कितना है वेट। वेट सही होना चाहिए, सुबह सुबह लोडर नहीं लगाना है यार, इंशाल्लाह सही होगा। वेट है यार 42.5 से जैक लोड करना पड़ेगा, 2.5 टन कमती है। कम से कम 43 रहता तो मुश्किल नहीं रहता, पोखर में घूमना पड़ रहा है यार। सेवल वाला भी भाग जाएगा, मिश्री है यार, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है वो। आज उधर से मैं लोड करके निकल गया हूँ, आप देख सकते हैं इधर का रास्ता क्या है यार, बहुत बहुत हालत खराब हो रखा है यार पानी पर का। अभी तक इधर का पानी नहीं छूटा हुआ है, तो अभी चलते हैं कतर यूनिवर्सिटी में गिराना है इसको। ये सब ग्रेड 2014 कोई मटेरियल है, आदमी ने पहली बार लोड किया हूँ मैं। उधर से तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, और कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि नो एंट्री है, 8 बजे नो एंट्री खुलेगा, उसके बाद घुसेगा उधर ही ट्रक लाइन में। जा ट्रक लाइन से होकर जाके उधर लोहा वाला एक ब्रिज बोलता है, पुराना ब्रिज था वो पहले हटा दिया, मगर तभी हम लोग लोहा वाला ब्रिज बोल के चिंता है वो एरिया को। उधर ही जाकर रुकेगा 8 बजे का, तो उसके बाद नो एंट्री के बाद खुल जाएगा, तो उसके बाद घुसेगा। अभी फिलहाल मैं बाप के कच्ची में हूँ, जा रहा हूँ। तो गाइस, हम लोग आ गए इधर लोहा वाला ब्रिज के पास, अभी 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट के बाद नो एंट्री खुलेगा तो चलेगा इधर से। ये ट्रक लाइन में हूँ मैं और रहमान, दोनों आदमी पहुँच गया इधर। गाय उधर से बहुत आता रहता है यार, यही ट्रक लाइन है, यही ट्रक लाइन से आया हम लोग। अब उधर एक आगे ब्रिज पड़ेगा, उधर से राइट लेगा, और राइट लेके जाएगा राजा घर होते हुए। चेक, 8 बज गया है, नो एंट्री खुल गया है। अभी देखिए इधर का मौसम क्या हो रखा है यार, मौसम तो बहुत प्यारा दिख रहा है, मगर ऐसा प्यारा मौसम पूरा गाड़ी को गंदा करके रख देगा। पानी पड़ना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, माल भी ऐसा है कि इसको खाली करना पड़ेगा जल्दी है यार, क्योंकि पूरा सट जाएगा। पानी पड़ना शुरू हो गया 8 बजे जाए, पानी पड़ने लगा गाइस, पानी पड़ने लगा यार। ये पानी पड़ गया, पानी पड़ने के टाइम में ना ये मिट्टी वाला मटेरियल लोड करने में बहुत दिक्कत है मालूम है। अच्छा, ये पानी पड़ने के टाइम में रमल लोड करो, और नहीं तो क्या बोलते हैं वो एग्रीगेट मतलब पत्थर, वो लोड करने में सही रहता है। अब ये सब मिट्टी लोड करने पे क्या आता है, पूरा सट जाता है, खाली नहीं हो पता है ना ढंग से। पानी पड़ना शुरू हो गया, अभी इधर से राइट लेगा, राजा घर होते हुए जाएगा, अंदर सिटी में जाना है। ये जो आगे आपको जो ब्रिज दिख रहा है ना, यही ब्रिज को लोहा वाला ब्रिज बोलता है लोग, मतलब बहुत पहले ये लोहा का ये ब्रिज था, अभी तो बना दिया है, और मैं इसको लोहा वाला ब्रिज ही बोलता हूँ, हम लोग लोहा वाला ब्रिज के नाम से ही जानता है इसको, मेरा कंपनी में सब ड्राइवर। पहले लोहा का था, अभी उसको बना के मतलब अच्छा कर दिया है, अभी लोहा का नहीं है, अभी जिस मटेरियल का बना है सीमेंट कंक्रीट मिला के वो चीज़ का है। अभी इधर से सीधा जाएगा, और वो 8 नंबर ब्रिज है, लेफ्ट मारेगा सिग्नल से। इधर का जो रास्ता है मतलब रोड सब बहुत अच्छा बनाया है यार, कतर गवर्नमेंट ने इधर का रोड बहुत अच्छा बनाया, बहुत ज़्यादा तरक्की किया है कतर गवर्नमेंट ने, रोड पे ज़्यादा ध्यान देता है, और प्लस में ड्राइवर साहब का सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान देता है। आप इधर का ये ब्रिज देखिए, ये ब्रिज सब का डिजाइन पोस्टर लगाया हुआ है इधर। अभी मैं आ गया हूँ अमेरिकार्ड गेट के पास, राइट साइड में अमेरिकार्ड है, अमेरिकार्ड बोलते हैं, और इसके आगे है आपका कतर किंग का हाउस, कतर का राजा घर उधर आगे है राइट साइड में।
सिकंदर का किंग का घर के पास का रोड कितना अच्छा बनाया है, पूरा खजूर का पेड़ लगाया हुआ है, पूरा मतलब फ्लावर भी लगाया हुआ है, मगर उधर राइट साइड में है तो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। बहुत अच्छा बनाया है इसको, खूबसूरत है, कतर कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया है इसको। ब्रिज व्रिज सब ज़्यादातर इधर तो प्लांट रोप रहा है, मतलब ट्री सब को मतलब उगा रहा है, मतलब ग्रीन सिटी बन रही है अभी। तो ये राजा घर का ब्रिज, राइट साइड में राजा घर है। अब फिलहाल अभी मैं आ गया कतर फाउंडेशन के पास, इधर लेफ्ट साइड में कतर फाउंडेशन है, इधर घोड़ा का रेस भी होता है और भी बहुत कुछ है इधर कतर फाउंडेशन में। ये जब रोड बन रहा था, क्या बोलते हैं इधर के, जहाँ पे मैं राइट ले रहा हूँ, ये रोड बन रहा था तब मैं आया था इधर कतर में, हम लोग इधर काम किया हुआ है। ये राइट रोड, ये राइट कट रहा हूँ, ये राइट रोड में हम लोग काम किया, पूरा मटेरियल वटेरियल हम लोग गिराया है इधर, जैसे पूरा मतलब एक्जीबिशन मटेरियल जो पत्थर निकलता है ना रोड को जमीन को खोदने के बाद, हाँ इधर से हम लोग पूरा उठा उठा के इधर बूम, इधर ही था नज़दीक एक उधर बूम ले जाए गिराया है। जो आपको ये बीच में दिख रहा है, बीच में पूरा पैर वोर लगाया हुआ है, यही बीच में मतलब खुदाई वुदाई हो रहा था, इधर से रोड बन रहा था तो यही बीच में से हम लोग काम हम किया है। ये अभी लेफ्ट साइड में अभी जो दिख रहा है ये पूरा हम लोग इस पर काम किया हुआ है। अभी इसको कितना खूबसूरत बना दिया है, पहले कुछ नहीं था इधर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया यार इसको तो। भाई लोग क्या बोलता है, इधर कोई भी इंसान आए, कोई भी ड्राइवर आए तो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज ना करें। मैं भी क्योंकि मैं भी मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ गाड़ी चलाते वक्त, मैं तो उधर शीशा में मतलब उसको जो मोबाइल होल्डर होता है ना उसको सटा दिया हुआ, प्लस मोबाइल को सिम में उधर ही शीशा पर होल्ड करके चालू करके या चल रहा हूँ, मैं सिम बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल में टाच भी नहीं रहा हूँ। अगर नहीं गाड़ी चलाते वक्त कोई भी भाई लोग मोबाइल यूज ना करें, अपना भी सेफ्टी करो और दूसरा गाड़ी वाला और दूसरा आदमी का भी सेफ्टी रहेगा ना। अब मोबाइल चलाएगा तो मोबाइल में ध्यान रहेगा इंसान का कि नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, कोई अचानक ब्रेक मार दिया आगे से आप नहीं देखें, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कभी भी इधर बोर्ड भी लगा है, आपको बोर्ड में देखिए वो लिखा है डू नॉट यूज मोबाइल विल ड्राइविंग, और सीट बेल्ट लगा के चल रही है भी साइन बोर्ड दिखाता रहता है, प्लस में आपको किस तरह के स्पीड में चल रहा है ये रोड में वो सब दिखाता रहता है, उससे ज़्यादा चलेंगे तो आपको ये रोड सब कैमरा है, कैमरा मार सकता है और कैमरा का फाइन आपका 500 रुपया लाता है। आगे 8 नंबर ब्रिज आने वाला है, उधर से हमको वो सिग्नल पर से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेगा तो उसके बाद जाएगा दुहेल वाला ब्रिज के पास सीधा सीधा। अभी फिलहाल सिग्नल बंद है, सिग्नल खुलेगा तो इधर से लेफ्ट लेगा, लेफ्ट वाला सिग्नल पर आगे खड़ा हो गया हूँ लेफ्ट कटने के लिए, वो जो राइट में दिख रहा है वो सीधा सीधा चला जाएगा। सिग्नल खुल गया गाइस, सिग्नल खुल गया, ये सिग्नल बहुत तेज़ी में बंद हो जाता है मालूम है, चलता क्यों नहीं यार ये कार वाला, ये सिग्नल बहुत तेज में बंद होता है, पछाड़ी रहमान उसको भी निकलना चाहिए। अरे यार चुपकाने लगा रहमान, फंस गया यार रहमान, नहीं निकल पाया सिग्नल बंद हो गया, सिर्फ एक में ही निकला रहमान नहीं निकल पाया, उधर का मालूम नहीं खाली वही साइड का सिग्नल बहुत तेजी में बंद हो जाता है, वह कार वाला ने जल्दी नहीं बढ़ाया नहीं तो रहमान भी निकल जाता। अभी जैसे लेफ्ट लेने के बाद 8 नंबर ब्रिज का ये लेफ्ट लेने के बाद ये सर्विस रोड है, अभी जैसे फिर से लेफ्ट में कटेगा तो हाईवे में घुसेगा, हाईवे पकड़े सीधा सीधा जाना है दुहेल वाला ब्रिज के पास, जैसे लेफ्ट ले रहा हूँ। हाईवे आ गया, जैसे नॉन स्टॉप सीधा चलना है, दुहेल वाला ब्रिज चढ़ के उतरना है। पहले मैं आया था शुरू शुरू में कतर में आया था, ये रोड पहले ऐसा नहीं था, इसको भी बना रहा था अभी, ये रोड में हम लोग उतना काम नहीं किया है, थोड़ा मोड़ा रमल वमल गिराया होगा कहीं कहीं पे, तो उस टाइम ये रोड बन रहा था, अभी इसको देखिए कितना अच्छा बना दिया है, ऊपर से भी बना दिया है ब्रिज के ऊपर और ये नीचे से भी अंडरपास बना देते हैं, ये नॉन स्टॉप चलने के लिए है, बाकी जिसको मतलब इधर उधर कोई एरिया हो हॉस्पिटल में जाए और भी कोई एरिया है जाना है तो राइट में कट के उधर सर्विस रोड पकड़ के जा सकता है, बाकी ये जो है ये सीधा सीधा जाने के लिए
एक्सप्रेस बनाया है नॉन स्टॉप चलने के लिए, सीधा जाएगा तो वाले ब्रिज चढ़ के नीचे उतरेगा तो उधर सिग्नल पड़ेगा। पास में वेंटिलेटर भी लगाया है हवा के लिए, मतलब गर्मी निकालने के लिए कुछ के लिए ऊपर वेंटिलेटर पूरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में गौर से देखेंगे तो इधर देखिए लास्ट में वेंटिलेटर लगा हुआ है, ठीक है पूरा ये इधर का अंडर पास में नीचे वेंटिलेटर लगाया हुआ है। आ गया दुहेल वाला ब्रिज के पास, अभी ब्रिज चढ़ेगा, एक सिग्नल क्रॉस करने के बाद दूसरा सिग्नल से लेफ्ट मारना है, वो कतर यूनिवर्सिटी के तरफ कटेगा वो रोड, दूसरा सिंगल से देख मारेगा। तो अभी दुहेल वाला ब्रिज चढ़ रहा हूँ, सिग्नल बंद है गाइस, सिग्नल बंद है, उस दिन आया तो सिग्नल पूरा खुला मिला हुआ था जाने के टाइम में, ये सिग्नल बंद मिला मेरे को, मगर ये भी खुल जाएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, बाकी सीधा जाने के लिए ज़्यादा ही देर खुलता है, फिलहाल अभी तो बंद है, खुलने वाला है ये सिग्नल तो खुल गया है गाइस, सिग्नल खुल गया, अब इधर से आगे वाला सिग्नल देखते हैं वो खुला मिलता है कि बंद मिलता है, जो सिग्नल से हमको लेफ्ट मारना है। लेफ्ट जाने के लिए सिग्नल तो खुला हुआ है मगर गाड़ी वाला को इंडिकेटर दिया हूँ यार, छोटा कार वाला रुकता ही नहीं है, जाना ही नहीं देता यार लेफ्ट की तरफ, बहुत मुसीबत है, इंडिकेटर दे दो तब भी ये लोग नहीं रुकता है, मालूम नहीं क्यों बंद हो गया वो भी लेफ्ट जाने के लिए, घुसना ही नहीं दे रहा है यार तो छोटा छोटा कार वाला। हाँ तो गाइस फाइनली मैं ये सिग्नल पे पहुंच गया हूँ, ये सिग्नल लेफ्ट मारने के बाद आगे एक और सिग्नल पड़ेगा, वो सीधा जाके फर्स्ट कट राइट लेना है तो कतर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा। अब ये सिग्नल मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, लेफ्ट लेने के बाद वो आगे सिग्नल पड़ेगा उसे सीधा जाना है, रहमान भी आ रहा है देखो वो निकल पाता है कि नहीं सिग्नल, पीछे तो दिख रहा है लुकिंग ग्लास में। रहमान भी निकल गया सिग्नल, वो रहमान भी निकल गया है, अब आगे वो सिग्नल पड़ेगा वो भी तो जल्दी बंद हो जाता है, अब जाके देखते हैं उधर क्या होता है। हम लोगों को तो एक भी सिग्नल खुला नहीं मिला गाइस, नहीं सब सिग्नल बंद मिला यार, ये भी सिग्नल बंद ही है, ये भी खुल जाएगा एक दो मिनट में, अब आगे उधर से अब ये सिग्नल क्रॉस करने के बाद फर्स्ट कट राइट लेगा उधर, कहीं एक सिग्नल और पड़ेगा मेरे को उधर, बाकी साइड में पहुंच जाएगा मैं। जब भी सिग्नल निकल गया गाइस, जब वो उधर से आगे से एक राइट लेना है, इधर से फर्स्ट कट राइट है, सिग्नल क्रॉस करने के बाद 100 मीटर पड़ता है इधर ये कतर यूनिवर्सिटी। यही राइट कटिंग है, चल रहा है क्या हो गया यार, इधर तो रुक भी नहीं सकता है, इधर पार्किंग ही नहीं यार, गाड़ी क्यों कांपने लगा यार मेरा, इधर मैं रोक भी नहीं सकता यार, इधर पार्किंग ही नहीं है, एक बार साइड पर जाकर रोकने की कोशिश करूंगा, अब छह दवा लगा रहे तो और ज्यादा कांप रहा है यार। साइड में इधर अभी काम चल रहा है, उधर ही पछाड़ी खाली करना है तो पूरा गाड़ी को बैक करके लेके आना पड़ेगा, हमारा गाड़ी उधर खड़ा है। अभी वो गाड़ी में जो प्रॉब्लम हुआ था मेरे को मालूम नहीं चला, अभी अब थोड़ा फिर से चला के चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है, लगता है जैसे टर्बो नहीं तो पिस्टन क्या गया है मालूम नहीं चल रहा है, उधर ना कहीं पे लीकेज देख रहा है ना कहीं पे कुछ दिख रहा है, गाड़ी के अंदर ऊपर सापट ऊपर सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है, अभी उधर थोड़ा सामान वो लोग हटा रहा है जहाँ पे खाली करना है, वो हटाएगा तो
जैसे खाली करके उसके बाद चला के चेक करेगा क्या प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में फिर से, क्योंकि मैं इधर नज़दीक आ गया था तब ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ है। फिर से थोड़ा दूर चला के चला के चेक करेगा ना उधर, तब मालूम चलेगा क्या प्रॉब्लम। हाँ तो गाइस क्या हाल खबर है, अभी फाइनली आपको बजने जा रहा है 7। मेरा गाड़ी ख़राब हुआ था तकरीबन 9:30 बजे करीब में, तो मैं उधर से गाड़ी लेके आया गैरेज में, सब चेक हुआ तो इधर का मेरा गैरेज में का मैकेनिक नहीं बना पाया उसको। बाद में 3 बजे के बाद में लेके गया गाड़ी को जिदा गैरेज में, उधर एक जिदा गैरेज है हम लोग गाड़ी मतलब उधर ही बनता है, वो कंप्यूटर लगा के चेक किया तो बलंजर में कुछ मुश्किल था, वही बलंजर का एडजस्टमेंट कर दिया, थोड़ा मिजानिया कर दिया, उसके बाद सही हो गया था। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 7। आप लोग थोड़ा मोटिवेट करेगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और प्लस में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए गाइस गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, क्या फल के मोहम्मद जनी हबीबी, चलो मिलते हैं अगला ब्लॉग में।